जो बजरंग दल के कार्यकर्ता ज्यादा लगते हैं, एंकर कम लगते हैं, ऐसा लगता है कि बजरंग दल वालों ने अगर मुझे सर्टिफिकेट देगा नेशनलिज्म का तो मुझे कतई उसके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैंने धिक्कार दिया। आज की डिबेट में बात न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा की डिबेट्स की करते हैं। आज हम उनकी वह डिबेट्स देखेंगे जिनमें विपक्षी नेताओं ने अमित चोपड़ा की क्लास लगा दी हो। यूपी चुनाव के मुद्दे पर न्यूज 18 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने वारिस पठान को हर हर महादेव कहने को कहा। वरिष्ठ नेता ने अपने जवाब में बीजेपी सरकार की आलोचना शुरू कर दी, पर एंकर ने उन्हें हर हर महादेव का जवाब देने को कहा, जिस पर उन्होंने इसका जवाब भी दिया। वारिस पठान ऑल इंडिया मयम से, ओबीसी की पार्टी से है। वारिस भाई हर हर महादेव, काशी की नगरी से आपको बोल रहा हूँ, हर हर महादेव। वारिस भाई देखिए, अमन भाई आपको मुबारक हो। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाजपा को पता है, मोदी को पता है, योगी को पता है कि इस मरतबा उत्तर प्रदेश के चुनाव ये बुरी तरह से हारने वाले हैं, क्योंकि योगी टोटली फेल हो चुके हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। इसलिए जो मोदी हमेशा से बोलते थे सबका विकास सबका विश्वास, मेरी आप बात ही नहीं सुनना चाहते हो, मैं आपको जवाब क्या दूं? मैं आपसे जवाब दे रहा हूं ना आपकी बातों का। आप बोलिए हर हर महादेव, मैं बोलता हूं अस्सलाम वालेकुम, मैं बोलता हूं आपके साथ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। बताइए मैं क्या क्या बोलूं वारिस भाई। मुझे काशी में बैठकर अगर मुझे सर्टिफिकेट देगा नेशनलिज्म का तो मुझे कतई उसके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैंने धिक्कार दिया। अमन चोपड़ा के सर्टिफिकेट को मैं फाड़ के फेंक देता हूँ। मुझे नेशनलिज्म की, फेडरलिज्म की, सेक्युलरिज्म की कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अमन चोपड़ा से। प्रधानमंत्री के काशी दौरे पर हुई डिबेट में एंकर ने काशी के विकास को लेकर विपक्षी नेताओं से सवाल किया, जिस पर विपक्षी नेता ने जब बीजेपी के कुछ मुद्दे पर आलोचना करनी शुरू की तो एंकर ने बीच में टोक दिया, जिसके बाद दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। मजदूरों पर फूल बरसाए गए, मजदूरों के साथ खाना खाया गया, आपको दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा है मुझे, दर्द असल में क्या है, कोरोना मंदिर बनाने वाले कार से पैदल चल रहे थे, गोलियां चलनी चाहिए थी, कुछ नहीं कर रहे थे, याद है आपने? आपको याद है दलितों का पैर धुल रहे थे मोदी जी, और एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उठा के पढ़िएगा, ना होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, देखिएगा क्या आया है। अच्छा नहीं लगा आज मजदूरों के साथ जो हुआ? नहीं, मुझे फूल बरसाए गए, बुरा लगा, खाना खाया गया, मुझे बुरा लगा जब कोरोना काल में मजदूर भाई पैदल आ रहे थे। क्या लेना देना, मैं काशी की बात कर रहा हूँ। अरे मैं भी आज की बात कर रहा हूँ, अब आप कहोगे जैसे मजदूर का पैर धो रहे थे मोदी जी, तब तो आपको बड़ी हितैषी थी, उसके बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कि पिछड़े और दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। इनको जब मुद्दों की बात करो तो हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान का मुद्दा यही लेके आते हैं, काशी हिंदू मुसलमान का मुद्दा है ना, तो फिर बात खत्म हो गई। बात खत्म कैसे हो गई? काशी हिंदू मुसलमान अयोध्या हिंदू मुसलमानों को पैदल मरने के लिए छोड़ दोगे? न्यूज 18 पर नमाज पढ़ने को लेकर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल शोएब जमाई से किया, जब वह जवाब देने लगे तो एंकर ने उन्हें बीच में रोकना शुरू किया, जिसका शोएब जमाई ने जवाब भी दिया। इमाम साहब खामोश रहे और उन्होंने नमाज पढ़ाई, पुलिस उनको ले गई, सारे दूसरे लोगों को, फ्रिंज एलिमेंट को, और उन्होंने दुआ में कहा कि ऐ अल्लाह इस गुरुग्राम में जो हिंदू मुसलमान का जो विवाद फैल रहा है और नमाज की वजह से जो फितने फैलाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं उसको दूर कर दीजिए, मोहब्बत फैला दीजिए। मुझे लगता है कि उस ईमान की दुआ को सुन लिया गया है। अगर अगर खुले में जगह नहीं देंगे तो नफरत होगी क्या? ये क्या बात होती है? ये कोई ब्लैकमेलिंग थोड़ी ना हो रही है? अगर खुले में जगह नहीं देंगे तो सांप्रदायिक तनाव होगा, खुले में जगह नहीं देंगे तो फिर मोहब्बत नहीं नफरत होगी, ये तो गलत है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? हम तो विवाद सुलझाना चाहते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा वैसे लोग जो बजरंग दल के कार्यकर्ता ज्यादा लगते हैं, एंकर कम नहीं, लगते हैं, ऐसा लगता है कि बजरंग दल वालों ने सूट पहना करके किसी को खुली जगह पर एंकर बना दिया है। ऐसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जरूर दिक्कत होगी, उनको एजेंडा खत्म हो रहा है, उनके हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की टीआरपी कम हो जाएगी, उनके शो का वेटेज कहाँ रहेगा अगर हिंदू मुस्लिम में नफरत नहीं फैलाएगा। न्यूज 18 पर संसद में हंगामे को लेकर हुई डिबेट में एंकर ने टीएमसी के सांसद डोला सेन से सवाल किया, जब वह जवाब देने लगी तो एंकर ने उन्हें बीच में बार बार टोका, जब उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया तो वह डिबेट छोड़कर ही चले गए। डोला जी, ये हंगामा, ये डिस्ट्रप्शन है, ये मारधाड़ है, ये मारपीट है, ये धक्का मुक्की है, ये गला घोटना है कि नहीं डिस्ट्रप्शन होगा? ये डिस्ट्रप्शन नहीं है, तो हम क्विट करेंगे। हम वेट कर रहे थे पिछले 15 मिनट से, आपसे शुरू करा है मैंने, जब हमारे शुरू किया में आप बात करेंगे आप डिस्ट्रप्शन है, ये डिस्ट्रप्शन है। हम आपको फिर बोल रहे हैं, अगर हम किसी त्यागी जी 30 सेकंड में आ रहा जाएगा तब हम बोलेंगे, ठीक है? केसी त्यागी जी की आवाज आ रही है, पहले वो बोलते हैं उसके बाद डोला जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। केसी त्यागी जी, निलंबन सही है गलत? हमको नहीं मौका मिलेगा। नहीं नहीं, आऊंगा डोला जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा बिल्कुल, यहाँ से वॉकआउट थोड़ी ना, मैं आ रहा हूँ, आऊंगा डोला जी, आ रहा हूँ, पहले केसी त्यागी।
निलंबन सही या गलत? इंदिरा जी के बेटे अच्छा केसी त्यागी जी, सॉरी डोला सेन यहाँ से भी वॉकआउट कर रही है सर, एक मिनट आप बोलिएगा, लेकिन डोला सेन जी ने माइक उतार दिया, वो यहाँ से भी वॉकआउट कर रही है, मैं संसद से भी वॉकआउट हुआ, बल्कि मैंने शुरू उनसे किया, लगातार उनको मौका दिया, मैंने हर बार मौका दिया, ऐसा नहीं है। हाँ बोलिए आप केसी त्यागी जी, आप बोलिए। आपको अमन चोपड़ा की ये डिबेट्स कैसी लगी, आप कमेंट करके अपने राय जरूर दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब प्रोडक्ट टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.